मोशन में कुछ बातें उठाई होंगी, लेकिन हम लोगों ने देखा है रघुवर दास जी के कार्यकाल में, आज हम लोगों की साथी विधायक है पूर्णिमा जी, एक विधायक आज जेल के अंदर है हत्या के आरोप में, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर क्या था? महिलाओं के मामले में हम लोगों ने देखा है कि उस वक्त घटनाएं होती थी लेकिन कार्रवाई में देरी होती थी। हम लोगों के सरकार के समय मैं विशेष रूप से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, घटना दुर्घटना एक भी हो तो बहुत दुखद है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और पुलिस अपना कार्य करके अपना अनुसंधान करके कोर्ट के जिम्मे कर रही है और अब तो लोगों को कोर्ट से पनिशमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग पांचवा उपचुनाव जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से हम लोगों की साथी को न्याय, ममता जी को न्याय मिलेगा और बजरंग महतो जी मोशन में कुछ बातें उठाई होंगी, लेकिन हम लोगों ने देखा है रघुवर दास जी के कार्यकाल में, आज हम लोगों की साथी विधायक है पूर्णिमा जी, एक विधायक आज जेल के अंदर है हत्या के आरोप में, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर क्या था? महिलाओं के मामले में हम लोगों ने देखा है कि उस वक्त घटनाएं होती थी लेकिन कार्रवाई में देरी होती थी। हम लोगों के सरकार के समय मैं विशेष रूप से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, घटना दुर्घटना एक भी हो तो बहुत दुखद है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और पुलिस अपना कार्य करके अपना अनुसंधान करके कोर्ट के जिम्मे कर रही है और अब तो लोगों को कोर्ट से पनिशमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग पांचवा उपचुनाव जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से लोगों की साथी को न्याय, ममता जी को न्याय मिलेगा और बजरंग महतो जी मोशन में कुछ बातें उठाई होंगी, लेकिन हम लोगों ने देखा है रघुवर दास जी के कार्यकाल में, आज हम लोगों की साथी विधायक है पूर्णिमा जी, एक विधायक आज जेल के अंदर है हत्या के आरोप में, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर क्या था? महिलाओं के मामले में हम लोगों ने देखा है कि उस वक्त घटनाएं होती थी लेकिन कार्रवाई में देरी होती थी। हम लोगों के सरकार के समय मैं विशेष रूप से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, घटना दुर्घटना एक भी हो तो बहुत दुखद है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और पुलिस अपना कार्य करके अपना अनुसंधान करके कोर्ट के जिम्मे कर रही है और अब तो लोगों को कोर्ट से पनिशमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग पांचवा उपचुनाव जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से हम लोगों की साथी को न्याय, ममता जी को न्याय मिलेगा और बजरंग महतो जी मोशन में कुछ बातें उठाई होंगी, लेकिन हम लोगों ने देखा है रघुवर दास जी के कार्यकाल में, आज हम लोगों की साथी विधायक है पूर्णिमा जी, एक विधायक आज जेल के अंदर है हत्या के आरोप में, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर क्या था? महिलाओं के मामले में हम लोगों ने देखा है कि उस वक्त घटनाएं होती थी लेकिन कार्रवाई में देरी होती थी। हम लोगों के सरकार के समय मैं विशेष रूप से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, घटना दुर्घटना एक भी हो तो बहुत दुखद है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और पुलिस अपना कार्य करके अपना अनुसंधान करके कोर्ट के जिम्मे कर रही है और अब तो लोगों को कोर्ट से पनिशमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग